Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। उसकी तैयारी चल रही है और उसके तिमाही, इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दे, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है। तो भैया, कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ये साफ कर दिया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन 2021 मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार फिर से सुनिए अश्विनी चौबे का ये बयान। इसकी तैयारी चल रही है और उसके तिमाही, इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दे, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है। ये हमारे अगले साल की पहली तिमाही तक भारत को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल जाएगी। ये बात भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब ठीक रहा तो सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी और मुझे विश्वास है कि यथाशीघ्र वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगा और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम अगले वर्ष में शुरुआती दौरे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है और उसके तिमाही, इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दें, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है। ये हमारे लिए सुखद है, इसलिए लोगों को चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी के सेविका, ऐसे लोग जो लगातार स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई है, तो पहले तो उनको लगाना और साथ साथ ये जरूरतमंद जो लोग हैं, कोई बीमार हैं और उम्र दराज हो, 65 से ऊपर के लोग हैं पहले उनको लगाएं, 60 से 65 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच का, और कोई 50 से नीचे भी कोई अगर बीमार है, किसी प्रकार के डायबिटीज या इस प्रकार के अन्य फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी प्रायोरिटी हम निर्धारित किए हैं और नीचे के स्तर पर। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने बिहार को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलने की बात भी दोहराई। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है, भरोसा के। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में ये घोषणा की थी कि अगर बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनती है तो बिहार की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। और जिनको जिसकी आवश्यकता में से है, हम आवश्यकता अनुसार हम देश के अंदर बिहार वासियों को हमने चुनाव के दौरान ये संकल्प पूर्वक हमने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि कोई भी बिहार वासी इसमें छूटेंगे नहीं और हम मुफ्त रूप से वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिहार को भी और देश के अंदर अन्य राज्यों से भी हमारी बातचीत हो रही है, हम कैसे उनको सुलभता से और सुगमता से हम वैक्सीनेशन का काम कैसे उपयोगी ढंग से कर सकें, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ हर प्रकार से परस्पर बातचीत करके उसको हम सफल बनाने में लगे हुए हैं और इसमें नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय सबका बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने स्तर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में बात करते हुए ये भी कहा है कि भारत में सफलतापूर्वक कई बीमारियों का टीकाकरण पहले भी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास टीकाकरण कार्यक्रम का पहले से भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। बिहार में 97% कोरोना रिकवरी रेट है, लेकिन एक बार फिर राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मार्च अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन आने की खबर किसी राहत से कम नहीं। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।